मोज भाई जब तक छोड़ेगा नहीं सर। थोड़ा पीछे नमस्ते सर, सामने नमस्ते। फोटो एक विनोद सर के साथ करते रहो फोटो। हाँ हाँ सर के साथ उनके घर जाना है, सॉरी जाना। हाँ जाना है, ठीक कर। वो सर फोटो मारूंगा यार। रुकना भाई, उधर से उधर ही खड़े रहना। हाँ तो फोटो साइड में आ जा, इसलिए बोल रहा हूँ फोटो लेना है। बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। बोला ना भाई, कांग्रेचुलेशन भाई। बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है आपके फिल्मफेयर, आपने जीता है। सब बताइए कि क्या फीलिंग करते हैं आप। सबसे पहले तो ये बताइए क्या फीलिंग होती है। फीलिंग एक अच्छे, आपको सबको अच्छी फीलिंग होती है जो जिसको भी अवार्ड मिलता है। बट मैंने कुछ ऐसी फिल्में चुनाव की कि जिसका मुझे अवार्ड के बाद कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई हाँ मैं करेक्ट दिशा में जा रहा हूँ और सही फिल्मों का चुनाव कर रहा हूँ। अब तो आदत सी पड़ गई है, बैक टू बैक। लास्ट ईयर भी हमने देखा, इस बार भी देखा। तो हम ऐसा माने कि नवाज जी को आदत सी पड़ गई है फिल्म फेयर एक दिन। जैसे मैंने बताया कि आदत सी तो नहीं, आदत तो किसी भी चीज़ की नहीं डालनी चाहिए। बट ये है कि एक कन्विक्शन बना है कि जिस तरह की फिल्मों का मैं चुनाव करूं, आगे भी उसी तरह की फिल्मों का चुनाव करूं और कैरेक्टर ड्रिवन, स्पेशली कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में मैं करना चाहता हूं। विनोद भानुशाली जी सर प्लीज़ कम सर। एंड आप भी तो कुछ माने कि साथ में आप लोगों का कुछ हमें देखने को मिलेगा सर। कुछ इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा, कुछ आने वाले दिनों में साथ में आप लोगों का कोलैबोरेशन कुछ। मेरी तो बहुत इच्छा है और बाकी नवाज भाई की। नहीं डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे हम लोग साथ में काम। आप बहुत जल्दी आपको बताएंगे किस तरह के अंदाज में देखेंगे हम आपको आने वाले दिनों में या उनके प्रोडक्शन। बहुत ही अलग अंदाज में दिखाने वाले हैं ये मुझे। हाँ। मतलब बेसिकली क्या होता है कि इतने टैलेंटेड एक फनकार को किसी भी मोड में डाल दो एंड हिल बी दैट। मतलब वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट दैट यू नो वी वर्किंग विद हिम। और एक बहुत जिस कहानी में हम लोग को जो एक्टर चाहिए वो एकदम इट्स रोल टू द टी एंड इज अग्री टू डू दैट। बाकी हम आगे बताएंगे कुछ। आज हम लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। साहब को फिल्मफेयर अवार्ड मिला है, बस वो हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू आप लोग सब लोग आए। कितना सेलिब्रेशन होने वाला आज की शाम, क्योंकि आज सेलिब्रेशन नाइट है तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। इतना सब बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। अब अभी तो शुरुआत है ना, पार्टी अभी शुरू हुई है। हाँ। थैंक यू।